एक फिक्स आमदनी के लिए अक्सर आदमी अपना घर किराए पर दे देता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घर को किराए पर देने से पहले कुछ तैयारियां करनी जरूरी होती है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि किराएदार ही घर का मालिक बन बैठे, जैसा कि दिल्ली में हुआ। पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में किराए को लेकर किन्नरों और मकान मालिक के बीच में जमकर बवाल हुआ। विवाद में किन्नरों ने जमकर उत्पात मचाया। न्यू उस्मानपुर थाना इलाके के तहत आने वाले ब्रह्मपुरी इलाके के गली नंबर 12 में किराया मांगने पर किराएदार किन्नर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मकान मालिक के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इस पूरी मारपीट और हंगामे का लाइव फुटेज पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। लेकिन विवाद किस बात को लेकर था, सवाल तो ये भी है। तो ब्रह्मपुरी इलाके की गली नंबर 12 में बंटी नाम के मकान मालिक के यहाँ एक परिवार किराए पर रहता है। उस परिवार के एक संतान किन्नर है। बताया जा रहा है कि किराए को लेकर परिवार और मकान मालिक के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद किराएदार किन्नर ने अपने साथियों को बुलवाकर खूब हंगामा करवाया और मकान मालिक के घर में घुसकर महिलाओं पुरुषों सभी को पीटा। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो युवक दौड़ रहे हैं और पीछे किन्नरों का समूह युवक अपने घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन किन्नर उन्हें पकड़कर बुरी तरह पीटते हैं। इस दौरान कुछ किन्नर मकान मालिक के घर में भी घुस जाते हैं। गली में घसीट कर पिटाई की जा रही है। वहां खड़ा एक युवक तमाशा देख रहा होता है। इतने में किन्नरों की एक लाठी उस पर भी पड़ती है और वो भाग खड़ा होता है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हुआ ये कुछ नया नहीं है, बल्कि अक्सर किराएदार और मकान मालिक के बीच में किराया और किसी वजह से विवाद होता ही रहता है। इसलिए जरूरी होता है किराएदार के साथ रेंट एग्रीमेंट बनाना, ताकि कोई भी दिक्कत होने पर कानूनी सलाह ली जा सके। किराएदार मिल जाने पर उसकी जांच सबसे पहले जरूरी होती है, क्योंकि यह आपकी प्रॉपर्टी है जो उनके पास होगी। इसके लिए किराएदार से एक फॉर्म भरवाइए, जिसका प्रिंट आपको पुलिस वेबसाइट से आसानी से हासिल हो सकता है। किराएदार से आईडी प्रूफ लेना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा किराएदार क्या करता है, कहां काम करता है, ये सभी जानकारियां भी आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा घर के किराए के मामले में कुछ लोग कई चीजें नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए जरूरी है कि सिर्फ मौखिक आधार पर रेंट एग्रीमेंट ना बनाएं। भारत में रेंट के पेपर 11 महीने के आधार पर बनते हैं, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण कराना जरूरी होता है। ये सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद ही घर किराए पर दें, नहीं तो कहीं आपका भी हाल ब्रह्मपुरी इलाके में किन्नरों को अपना मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक जैसा ना हो जाए। Yeah, I think.